लॉन में हारिस फौरन से पहले एक गार बदलो। लॉन में नहीं बाहर है सांप। सांप वाला है? कैसे सवाल कर रही हो, मैं यहाँ पहले ही परेशान हूँ। किससे? किससे नहीं सांप से। ओ सांप तुम्हें तंग कर रहे? तुम समझ नहीं रही। मैं भला सांप को क्यों समझूंगी? मैंने सांप को मार दिया। तुमने कभी घर में मक्खी नहीं मारी, तुम सांप मारोगे? बड़ी खतरनाक हालत में मारा है उसे मैंने। कौन सी हालत में? उस वक्त वो दोनों मोहब्बत कर रहे थे। हारिस मैंने गल दसिया, तो इंसान मोहब्बत इतने दुश्मन क्यों? मुझे देखकर वो मेरी तरफ गुस्से से बढ़ा। हाँ जाहिर सी बात, इतना अहम काम जो कर रहा था गुस्सा तो आ गई। मुझे तो लगता है कि मैंने नर को मार दिया है। वाकई? हारिस वैसे मेरा दिल चाह रहा तेरा मुंह चूम लूं मैं। हैं? सांप मारने पे इतना बड़ा इनाम मिलता है? हाँ तो और नहीं तो क्या, ये दिलेरी वाली बात होती है ना कि कोई सांप मार दे। लेकिन मेरी दिलेरी तो लोगों ने हवा कर दी। क्यों? वहाँ जो लोग थे उनमें से एक आदमी था जो सांपों के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो फिर? और फिर उसी ने बताया कि जिस सांप को मैंने मारा है वो नर है। हाय, यानी तूने उसके शौहर को मार दिया और बीवी बेवा हो गई। हाँ, और अब वो सांप अपने शौहर का बदला लेने के लिए जरूर आएगी और मारने वाले को डसेगी। नहीं नहीं आरिस, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कभी होता है बोला क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। देखना तुम नीलम, अब वो जरूर मेरे पीछे आएगी। वो एक काम करते हैं, घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देते हैं, ऐसा ना हो कि यही कहीं से आ जाए। हाँ लगता है मादा सांप आ गई है। मादा बैल बजा के आ गई। हारिस जाके देखो कौन है। क्या हुआ भाई? यार तुम इस एपिसोड में भी हो। क्या हो गया यार, मैं आपका हमसाया हूँ। इसका मतलब है तुम हर किस्त में हमें फॉलो करते रहोगे। ये आपके हाथों में डंडा क्यों है? ते बीवी को तो नहीं मार रहे थे? ओ भाई मैं क्यों मारूंगा बीवी को? डंडा क्यों पकड़ा हुआ है? ये तो बस वैसे ही। वैसे कौन डंडा पकड़ता है? तुम ये बताओ उदास औरतों के मुँह वाले तुम किधर आए हो? मैं ये बताने आया था कि मोहल्ले में सांप देखा गया है। कहा? बस आखिरी बार तो आपके घर के पास ही देखा गया। यार बड़ी गमगीन औरतों जैसी शक्ल है तुम्हारी, और खबर तुम उससे भी ज्यादा मनहूस दे रहे हो। आप क्यों डर रहे हो? सांप से कौन नहीं डरता यार, नेवले के मुंह वाले। फिर भी इतना खौफ? मुझे असल में सांपों का एक जोड़ा मिला था शॉपिंग के दौरान। शॉपिंग मॉल में कहां से सांप आ गए? फिर कहां मिला? रोड के किनारे, और उसमें से मैंने नर को मार दिया है। ये क्या हुआ भाई? अब तेरी खैर नहीं है, अब तेरे पीछे मादा जरूर आएगी। क्या कह रहा है भाई तू? वो नहीं छोड़ती अपने सुहाग के कातिल को। तू कोई अच्छी बात नहीं कर सकता? अपने साथ पूरे मोहल्ले को भी खतरे में डाल दिया तूने। मोहल्ला इसमें कहाँ से आ गया? मादा के सामने जो भी आएगा उसे डसेगी। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझ तक पहुँचते पहुँचते उसका तो जहर खत्म हो जाएगा। ऐसा ना करो, तेरे लिए जहर बचा के रखेगी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। मादा सांप के मुंह वाला, लगता है वो सांप इस घर में आ चुका है। मेरा मतलब है कि आ चुकी है। लाइफ तो बन गई जलेबी, लाइफ तो बन गई जलेबी, लाइफ तो बन गई। हारिस, हारिस तुम ये क्या कर रहे हो, मुझ पे शक कर रहे हो? किस बात का? वो ये कि घर में गैर मर्द तो नहीं है? मैं तो सांप ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ पे सांप क्यों छुपेंगे? वो कहीं भी छुप सकता है। हाँ तो फिर ये छड़ी क्यों पकड़ी है? ये छड़ी नहीं, ये डंडा है। ओहो, इतने जोर से डंडा क्यों कह रहे हो? सांप को डराने के लिए, ये मैं उसे सुना रहा हूँ। लेकिन सांप के तो कान नहीं होते। तो फिर बीन कैसे सुनता है? बीन सुनता नहीं है, वो देखता है। तुम्हें इतनी मालूमात कैसे सांपों की? भाई मैंने पढ़ा है सांपों के साथ किताबों में। और फिर भी नहीं मान रही कि वो मादा सांप मुझे डस सकती है? हारिस फजूल की बातों पे कौन यकीन करता है आज? वही जिसका शोहर मरेगा। किसका शोहर मरेगा? फिलहाल तो तुम्हारा ही मर रहा है। अल्लाह ना करे, मैं तो सिर्फ यही बताने आई थी कि मेरी सहेली आ रही है। सांप की हो गई ना वही बात। बात सुनो, मेरी सहेली आ रही है। अच्छा तो तैयार हो जाऊं? हारिस मैं तेनू दसिया, कोई ओछापन नहीं मेरी सहेली के सामने। अच्छा तुम्हारी सहेली को ये बताना है? तुमने मेरी सहेली के साथ कोई ओछी हरकत नहीं करनी वरना। और उसको खुली छुट्टी है? हारिस अच्छा अच्छा तो वो क्यों आ रही है? वो ना हारिस सांपों पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है। हाँ यानी कि घर में फिर सांप होंगे? नहीं बाहर बना रही है। रोड पर? और नहीं जंगल में। फिर तो जरूर मादा भी उसके पीछे पीछे घर तक आएगी आएगी। तुम मादा को छोड़ो, घर की सफाई शुरू करो, मादा के पीछे पड़ गए। लेकिन अगर सफाई के दौरान मादा निकल आई तो? हारिस ये सांप कहानी तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कब तक रहेगी, चलो मेरे साथ। ओहो नसीब, आप कौन? मैं सहेली हूँ। बड़ी शरीर हो, मुझे नहीं बताया ना तुमने। मैं आपकी सहेली नहीं। तो कोई बात नहीं, सहेली बनते कितनी देर लगती है? आपको किसी ने बताया नहीं क्या सहेली कैसे बनती है? मेरे मुताल्लिक। ओ
तो पूरा शहर जानता है आपको। देखिए। क्या देखूं? इतनी फ्रैंक है आप। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं फिल्में बनाती हूँ। छुप छुप के? ची ची ची। मैं छुप के फिल्में नहीं बनाती। अच्छा तो सामने बनाती है और फिर बाद में ब्लैकमेल करती होंगी। कहाँ है नीलम? नीलम भाई, उसने मुझे बुलाया था कि मेरे घर आओ। ओ, अच्छा अच्छा, उसने बुलाया था आपको। देखिए, मैं सांपों पे डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो आप है वो सहेली? जी हाँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज आइए आइए, आप ही ने मेरा मसला हल करना है। कौन सा मसला? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। यकीन जानिए, मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। बातों से तो नहीं लगता। लेकिन आप अंदर तो आइए ना, प्लीज आइए। जी तुम्हारी लिया बहुत ही जॉली है। हाँ जॉली, जरूर थलक झाड़ रहे होंगे तुम पे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच सच बताओ हारिस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सांपों में इतनी दिलचस्पी कैसे हुई? एक्चुअली सांप ना बहुत मासूम होते हैं। मैंने तो सुना है कि शोहर को मार दिया जाए तो बीवी उसका पीछा करती है। किसकी बीवी? सांप की। सांप की बीवी नहीं होती तो क्या गर्लफ्रेंड होती है? ओहो, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वरन को सांपों के मुतालिक जानने का बड़ा तजस्सुस है। हाँ। तो आप फिर मेरे साथ जंगल में चले। वहाँ अगर हम दोनों का मंगल हो गया तो? हारिस, वहाँ मैं अकेली थोड़ी होंगी, मेरे साथ पूरा क्रू होगा। और यकीनन वो भी होगी। कौन मादा? हारिस, तेरे खुदा का वास्ता मेरी सहेली को बख्श दे। नहीं नहीं, मेरा हरगिज ऐसा कोई इरादा नहीं भाई। हारिस, तुम्हारा इरादा बनते हुए कोई देर लगती है क्या? नीलम, तुम अच्छी तरह जानती हो इस वक्त मेरे सर पे मौत मंडला रही है। कौन? क्यों? कोई दुश्मनी चल रही है आपकी? जी हाँ। खानदानी? जी हाँ, सांपों के खानदान से। क्यों? सांप तो बहुत प्यार करने वाली मखलूक है। वो ना ऐसे ही कह रहे हैं, हम तो सांपों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, इनके साथ तो हमारे फैमिली टर्म्स है। वाकई? हाँ जी, और एक का तो शिद्दत से इंतजार है। हारिस, चलो मेरी सहेली को ना कमरे तक छोड़ के आओ। और हाँ, कोई जॉली पन नहीं। आइए आइए आइए। चलिए चलिए। हारिस, मेरी गाल सुनो, वो मेरी सहेली नाल उल्टे सीधे सवाल करने की तेनू की जरूरत थी? मैंने कौन से उल्टे सीधे सवाल किए? अच्छा, मैंने कौन से सवाल किए? वो मादा सांप वाले। देखो, जब मादा सांप तुम्हें आके दबोचेगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। कौन? सहेली? मादा सांप। हारिस, कोई मादा सांप नहीं आ रही तुम्हारे पीछे, अल्लाह के वास्ते। तुम्हारे बाद कौन आएगी? क्या मतलब, तुम्हारे डर से भला क्यों आएगी? मैंने वादा किया है। मादा सांप से? सहेली से। वो तुम्हारी सहेली है? जो फिल्म बना रही ना उससे। क्या वादा किया? यही कि तुम उसकी मदद करोगे। किसमें? किसमें नहीं, फिल्म बनाने में। वो सांपों वाली? आहो नहीं नहीं, मैं सांपों में नहीं जाऊंगा। क्यों? वहाँ मादा सांप भी आ गई तो? फिर वही गल, मादा सांप। नहीं भाई, मैं सांपों में जाने का रिस्क नहीं ले सकता, समझी? ओए हारे, सांप हमारे घर में आ रहे, तुम सांपों में नहीं जा सकते। वो देखो, मुझे डर लगता है। वो शरीफ लड़की है, वो कुछ नहीं करेगी। मैं मादा सांप की बात कर रहा हूँ। ओह मेरे खुदा, ये मादा सांप कब तेरे ज़हन से निकलेगी? जब तक मेरा दम नहीं निकलेगा। हारिस, ये बच्चों वाली गर्ल करना छोड़ दो। ना बाबा, बच्चों की बात करना तो मैंने छोड़ ही दी है। हारिस, तुम भी ना, चलो तैयार हो जाओ जाके, चलो। दसवाने के लिए? उसके साथ जाने के लिए। लेकिन कोई बहाने बाजी नहीं, हटो मेरे रास्ते से, हटो। ओहो, काट लिया। क्या हुआ? मुझे मादा सांप ने काट लिया। कैसी बातें कर रहे हो, वो तो आपकी बीवी है। सांप मेरी बीवी कैसे हो सकती है? वो सांप नहीं, औरत है। मादा सांप औरत भी बन जाती है? अरे भाई, मैं नीलम की बात कर रही हूँ। मैं मादा सांप की बात कर रहा हूँ। कौन सी मादा सांप? जिसने मुझे काटा है। कहाँ? ये देखे, पाँव में। हाँ, कुछ सुर्ख सा तो लग रहा है यहाँ पे। ये बाकी काट लिया। लेकिन ये निशान सांप के काटे का तो नहीं लगता। मैं दर्द से मर रहा हूँ। मुझे सांपों के दांतों का अच्छी तरह से पता है। आप क्या सांपों की डेंटिस्ट है? मैंने रिसर्च की है भाई। सांपों के दांतों पर? सांपों के डसने पर, और ये सांप के डसने का निशान नहीं है। तो और यहाँ और कौन से निशान लग सकते हैं? बात तो आपकी भी ठीक है, तो फिर कीजिए ना। मेरे पास ना सांपों का इंजेक्शन है, मैं अभी लेके आती हूँ। तब तक मैं मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? आपने सांपों पे रिसर्च की है, जहर निकाले। अरे भाई, मेरे अंदर कहाँ से जहर आ गया? मेरे पाँव से। आपके पाँव इतने जहरीले हैं? जहाँ मादा सांप ने काटा है वहाँ से निकाले। अच्छा, मैं जहर चूसने की कोशिश करती हूँ। हारिस, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी दोस्त के साथ अपनी गंदी हरकत करते हुए? छी, कसम उठवा लो, मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की उसके साथ। मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की, ये पाँव दे के आ गए उसे पूरा। कहाँ दे दिया? पाँव तो मेरे पास है। उन्नस, जहर चूसने के लिए और किस लिए? और चारा ही क्या था? मेरी गाल सुनो,
वो यहाँ फिल्म बनाने आई है। भाई एक छोटा सा शॉट था तो इसमें ऐसा क्या है? और तुम्हारी इस मादा सांप से मैं तंग आ चुकी हूँ। क्यों, तुम्हारा पीछा भी किया था उसने? मेरा पीछा क्यों करेगी वो? अरे हो सकता है उसने इंतकाम का प्लान या टारगेट तब्दील कर लिया हो। मतबल हो सकता है उसने सोचा कि मैं इसकी बीवी को डस लूं ताकि मेरी तरह ये भी अपने जीवन साथी की जुदाई को तरसे। अल्लाह ना करे हारिफ, और उसके जहन में ना ऐसी बात डालना भी नहीं। हाँ वो क्या मेरे साथ व्हाट्सएप पे? आइंदा से तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। बस सांप से? मेरी सहेली से। ये कैसे हो सकता है? क्यों? देखो ये थोड़ी सी बद अखलाकी होती है। मेरा मतलब है कि सांप के बारे में। अच्छा बाबा नहीं करूँगा, लेकिन मेरा डर कैसे जाएगा? कौन सा डर? सांप के डसने का। हारिस वो तुम्हें पहले से डस चुकी है, मेरी सहेली ने तुम्हें बचा लिया है। लेकिन वो तो मुझे मारने तक डसती ही रहेगी। और ये तुमसे किसने कह दिया? औरत जब इंतकाम पर आती है तो वो पीछा नहीं छोड़ती। ये औरत इस सारे मामले में कहां से बीच में आ गई? वो मादा औरत ही तो है। अच्छा वो औरत है? मेरा मतलब है कि हर मादा की फितरत वो औरत जैसी ही होती है ना। जैसे हर मर्द की नर जैसी। मर्द बेचारे तो हर वक्त फैमिली के डंक से डरे रहते हैं। वैसे इतने मासूम तुम मर्द हो नहीं, और खबरदार उसकी बातों में आए तो। अच्छा क्या क्या हुआ हरिस? मैं समझा यहाँ की सांप है। तुम्हें तो सांप काट ही ले तो अच्छा है। तुम? आखिर मैंने ढूंढ ही लिया मादा सांप को। ओ थैंक यू यार। मादा सांप को नहीं, उसके राज को। उसका किसी से स्कैंडल चल रहा है। ये देखो। ये क्या है? सांपों की किताब। उनको देकर आओ। मतलब सांपों के मुतल्लिक किताब है। अच्छा क्या लिखा है इसमें? मैंने कुछ नहीं लिखा, पहले से लिखा है इसमें। पहले से क्या लिखा है ये पूछ रहा हूँ। कि ये मादा सांप वाकई पीछा करती है। किसका? जो भी इसके साथी को मारे। वाकई? और जब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसको वो मार ना दे। यार तुम तो खुद मादा सांप के मुंह वाले हो, तुम मुझे और डरा रहे हो। इसमें लिखा है, मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूँ। यार तू कोई बेहतर किताब नहीं ला सकता था? मार्केट में इससे बेहतर कोई किताब नहीं थी। इसमें ये नहीं लिखा कि उससे बचना कैसे? लिखा है ना, वही तो बता रहा हूँ। हाँ ना, तो वो बताओ कि बचाव की तदबीरें क्या है। अपने गिर्द ध्यान रखिए, वो मादा किसी औरत के रूप में भी आ सकती है। क्या? यानी कि वो नीलम भी हो सकती है? नीलम कौन? मेरी बीवी। बीवी तो पहले ही तुम्हारे पास है। पहले नहीं यार, निकाह के बाद से आई है। घर में कोई और औरत भी है क्या? हाँ एक और। हाँ मेरी बीवी की सहेली। सांप मारने से पहले आई है बाद में? वो तो बाद में। बस फिर उसके रूप में हो सकती है। क्या वाकई? बिल्कुल। लेकिन अब तक उसने मुझे डसा क्यों नहीं? वो तुम्हें तरसा तरसा के मारेगी। सही, तरसा तरसा के मारेगी। लेकिन यार क्या वो वाकई सांप है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? सांप दूध पीता है और आंखें नीचे पकता। अच्छा मैं देखता हूँ। ये किताब ले लो। रखो यार तुम अपने पास, इसमें तो सांप ही सांप है। फिक्र नहीं करो, मैं किसी अच्छे से जोगी को देखता हूँ। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यार, शुक्रिया। हेलो, क्या हुआ है, डरे हुए क्यों? कुछ नहीं, ये आप आंखें नहीं झपकती? झपकती हूँ, क्यों? अभी तो नहीं झपक रही। वो बचपन में ना मेरी आंखों पे चोट लगी थी जिसकी वजह से नसें मुतासिर हुई थी, इसलिए मैं आंखें कम झपकती हूँ। ये तो झूठ बोल रही है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। ये आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। जरूरी क्यों? मादा साहब का सवाल है। लेकिन सवाल तो आप कर रहे हैं। क्योंकि वो पीछा तो मेरा कर रही है ना। ओहो, आपको क्या हो गया? मुझे इल्म हो गया। इल्म? किसका? उसका, मुझे पहले से इल्म है। तो फिर नया क्या इल्म हुआ है? यही कि सांप इच्छाधारी भी होते हैं। इच्छाधारी? ये कौन से सांप होते हैं? ये सांप इंसानों जैसे होते हैं। इंसानों जैसे? ये आप सहेली ही है ना? मैं आपकी सहेली क्यों होंगी? मेरी बीवी की। ऑफ कोर्स, लेकिन आप शक क्यों कर रहे हैं? क्या बातें हो रही है यहाँ पे? नीलम अपने शौहर को फौरी तौर पर किसी डॉक्टर को दिखाओ। क्यों, कोई डॉक्टर इनको देखना चाहता है? तुम्हारे शौहर की जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम ये क्या क्या कह रही हो? जी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं भाई। हारिस ये क्या कह रही है, मैंने कुछ पहले नहीं पढ़ा है। सच सच बताओ नीलम, तुम नीलम हो या सांप हो? हाँ, लगता है तुम वाकई डॉक्टर की जरूरत है। मेरी ना तुम दोनों पर नजर है, याद रखना। हारिस तेनू की हुए? छोड़ो से, तुम तो मेरे साथ आओ। आओ ना। मैं लगता है तुम परेशान खड़ा है। आपके आने से? अभिया किसी और के आने से। कोई और भी है आपके साथ? ओ, तो कुछ नहीं दे रहा।
आपको कैसे पता? हमें कुछ सब पता है। तो कराची का सीवरेज सिस्टम किस दिन ठीक होगा ये पता है आपको? और तो मेरे प्यू को भी नहीं पता, बड़ों बड़ों को नहीं पता। देखा ना, खा गए ना फिर मार। इसके अलावा जो घी सब जानता है। मसलन क्या क्या? सब मारा। सांप ने बताया? मेरे बच्चे मारे थे, मेरे को पता ना लगे। वो तेरा बच्चा था? सारे सांप मेरे बच्चे ने। ये बच्चे तुम्हारे? बड़ा बिजी है भाई तू तो। तेरी जिंदगी और थोड़े दिन आ दिए। ये किसने कहा? तै पंगा ही ऐसा लिया। कौन सा पंगा? मादा था आपको विवाह करने का। देखो यार, वो तो मुझसे गलती हो गई। अपनी जान की फिक्र कर, मादा साहब इस घर में घुस गई है। क्या? इसका मतलब कि मेरा शक बिल्कुल ठीक है? तकु किसी पे शक भी है? हाँ यार, मुझे लगता है कि सांप घर में ही है। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बचेगा नहीं, बचेगी। ओ, मैं तो भूल ही गया, सांप की मां आए। यार, आप अंदर आइए, आप सांप मारिए। ओ खबरदार, मैं बच्चा को मारने की गल की थी ना। तो और क्या, उन्हें कॉलेज में डालना है? पकड़ने की बात कर। तो आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए। चलो चलो। ओ, इस घर में सांप की मुंह है। सांप की नहीं जनाब, आप कई महीनों से नहीं नहाए। तो जोगी को सिखाएगा कि नहाते कैसे। बू क्या होती है इतने अरसे के बाद नहाने की? सांप की। सांप भी अरसे के बाद नहाते? सब को धावण दी के लो रे। हाँ जी, सांप ने कौन सा ससुराल जाना होता है। ओ खामोश थी, सांप दी बू करीब आ रही है। सांप की बू चलती भी है? ओ खामोश थी, सांप बहुत करीब है। कितना करीब? बस दो चार कदम, वो आ गया सांप। ओ, क्या कह रहे हैं? ये तो सहेली है। सांप की कोई सहेली नहीं होती। मेरी बीवी की सहेली है। सांप? कभी पूछा नहीं। ये कौन है? जाहिर है प्रोफेसर थोड़ी सुलिए में आएगा, जोगी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? तलाश। किसकी? मादा सांप की। यहाँ जहालत है भाई। मिल खड़ी, बिल्कुल मिल गई। कौन मिल गई? मादा सांप। मादा सांप? ये क्या बकवास कर रहे हो? पकड़ को, ताकि ये मुझे डस ले। भाई किस काम के लिए है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। हर नागिन यही कहती है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हर नागिन ये भी कहती है। मुझसे कसम ले ले। हर नागिन ये भी कहती है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हर नागिन, हर नागिन लगा रखी है। क्या मुजरिमों की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप लोग मुझसे? जुर्म तो तुमने अभी करना था। कौन सा जुर्म? कुटासंगा। आप बकवास कर रहे हो तुम। देखो, अगर तुम वाकई में नागिन हो ना, तो मेरे मियाँ को बख्श दो। इसने गलती से तुम्हारे शौहर को मार दिया था। मियाँ, तुम्हें तो पता है मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अच्छा, तो बगैर निकाह के घूम रही थी उसके साथ? किसके साथ? वही जिसे मैंने मारा था। मेरे साथ कोई नहीं था। अभी अब तुम पंचायत के डर से कह रही हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं था? ओफो, क्या मुसीबत है, आप भी इस पाखंडी की बातों में आ गए। खामोश थी, एक आला जोगी को पखंडी आंख दी पई है, वो इसको काबू करो। क्या? देखो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम करोगी जरूर। सामान के थे? ये रहा, ये रहा। क्या है इसमें? इसमें तो नकदी है, जेवरात है, पासपोर्ट। और पासपोर्ट भी है। किसी चलाक नागों ने पासपोर्ट भी है। मुझे तो शक है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करती है। हलाते ऊ नागों ने? नहीं नहीं, वो तो बाहर भाग गई। वो सारा सामान मैं खुद ही, बहुत जहरीला है, तेरी जान चली वैसी। इसमें $5,000 भी है। और खामोश थी, सपा ने डॉलर न के करना है। तुसी मेरे नाल बन जो, मैं तो आपको प्लानिंग दसता। आ बन जो, आ बन जो, आ बन जो। मेरी बात तो सुनो, कहां जा रहे हो? मेरी बात सुनो, खोलो मुझे, छोड़ो। ओए आ बन जो, आ बन जो, ओए आ बन जो। ओ शुक्र करो तुम लोग बच गए हो। क्यों, कोई जहाज क्रैश कर रहा था? मादा सांप से। ओ ना जी ना, मेरा दिल नहीं मानता। हारिस, वो मेरी वड्डी पुरानी सहेली है। ओए सब बहु चलाक होंदे ने, एतमाद दे रिश्तेदार दा रूप धार के डिसीजन लेने। अच्छा, वो एक काम करें, ये डॉलर तो हमें दे दे। ओ खबरदार, ये बहुत जहरीले डॉलर। डॉलर तो होते ही जहरीले भाई। और चले अब बराह रास्त सब दी तहवील चुका देने। अब क्या करना है? डालो ना उस मादा सांप का। ओए बहु खतरनाक सांप है, वो तो पकड़े जाने की बड़ी गाल है। और जोगी जी, आप ना अच्छी तरह यकीन कर लो बात। हाँ, तेरे घर वाले नु डसाने उसको, नु फिर तक यकीन आसी। नहीं 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 नहीं, देखो फौरी तौर पे उसे मार देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सपा को मारना नहीं, मैंने बच्चे ने। मैं एक ऐसी जगह छोड़ के आसा कि उनको नर मिल जासी, ते को भूल जासी। हाँ, ते फिर जल्दी करे ना, खड़े क्यों यहाँ पे? ओए कुसान काम नहीं है,
मैं को पीर उस्ताद को मदद गिननी पैसी उसकी अपनी पुलिस है वो सब वास्ते भी कदे पुलिस आई है तो यार फिर लो मदद अपने पीर उस्ताद से ना ना पीर उस्ताद मुफ्त कोई काम नहीं करेंगे शेव भी हां पीर उस्ताद को जुगत नहीं बहु जहरीला पीर है तो वो भी सांप है वो सपा का पीर है सांपों को तावीज देता है अमरासी मौत तेरे सर ते खल होती है ते को जुगना नहीं पाई है लेकिन ये डॉलर हम तुझे नहीं देंगे हां वो ये डॉलर मैं पीर को दी सा और नहीं ये डॉलर हमारे वो डॉलर ने तो बड़े-बड़े मुल्क तबाह कर के देने घर की शय हो जाए भले लेकिन ये डॉलर मेरी सहेली के हेलो तो फिर गिरो अपने डॉलर तो लोग जानो तो तुम्हारा सांप अरे हारिस पकड़ो के भाग रहे ओ मैं को सांप काट के था हां तो ऐसे सांप ने काटा आपको मैंने को फर्क नहीं है कि मैं तक गुस्सा का गिरा था भाई ये तो वाकई सांप के दांतों के निशान है और कम बखत दे तेरे अली मादा सांप भाई मेरा निकाह हुआ उससे हारिस मैं उसकी बात करूं तुम्हारी नहीं मैं को बचाओगे ना अरे तुम बचाओगी अपने आप को खुद ही बचा लो ना अरे ये तो मर गया ए वाकई शुक्र है मेरी जान छूट गई Oh, Chris! Oh, stop!